अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एमिटर फ्लोवर। एमिटर फ्लोवर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी सर्किट डायग्राम, इसकी वर्किंग और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हर एक टॉपिक को हम इसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ, इसके इंट्रोडक्शन के साथ, ये कि हमारे पास जो एमिटर फ्लोवर है ये होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इसकी डेफिनेशन यानी कि इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम, द नेगेटिव करंट फीडबैक कॉमन कलेक्टर सर्किट इज कॉल्ड एमिटर फ्लोवर। यानी कि एमिटर फ्लोवर क्या होता है, द नेगेटिव करंट फीडबैक, नेगेटिव करंट फीडबैक किसका, ऑफ अ कॉमन कलेक्टर सर्किट, किसी भी कॉमन कलेक्टर सर्किट का जो नेगेटिव करंट फीडबैक होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एमिटर फ्लोवर कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपने ये बस ध्यान में रखना है। उसके बाद है, द एमिटर फ्लोवर इज़ अ करंट एम्पलीफायर। जो एमिटर फ्लोवर है ये क्या होता है, एक हमारे पास एक करंट एम्पलीफायर होता है दैट हैज़ नो वोल्टेज गेन, जिसके अंदर जिसके अंदर कोई भी वोल्टेज गेन नहीं होती। दिस सर्किट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, इसके जो इस सर्किट की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या होती है, हाई होती है, एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, और इसी तरह जिसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, काफ़ी लो होती है। तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एमिटर फ्लोवर के ये होता क्या है। उसके बाद इसकी बात करते हैं हम सर्किट डायग्राम की। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देखें, द सर्किट डायग्राम ऑफ एमिटर फ्लोवर इज शोन इन सर्किट डायग्राम। ये है जी इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली आप इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, कुछ कैपेसिटर्स का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर का भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये है, ठीक है, इसकी सर्किट डायग्राम, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक चीज लाइन लिखी हुई है, दिस सर्किट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इस सर्किट को हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हम वर्किंग की। ठीक है, तो वर्किंग में देखें हम क्या लिखेंगे, द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। जो इनपुट वोल्टेज होता है वो उसको हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, बिटवीन बेस एंड एमीटर, एंड द रिजल्टिंग एसी एमीटर करंट प्रोड्यूसेस एंड आउटपुट वोल्टेज IERE अक्रॉस द एमीटर रेजिस्टर्स। दिस वोल्टेज अपोजेस द इनपुट वोल्टेज, दिस प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक। क्लियरली इट इज़ अ नेगेटिव करंट फीडबैक, सिंस द वोल्टेज फीडबैक इज प्रोपोर्शनल टू द एमिटर करंट, इट इज़ कॉल्ड एमिटर फ्लोवर बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज फ्लोज द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो है वो लाइन्स आप वर्किंग में लिख सकती हैं, दैट्स इनफ। तो उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है इसकी हमारे पास, इट हैज़ नो वोल्टेज गेन, यानी कि इसकी जो है वो वोल्टेज गेन नहीं होती है। जो सेकंड है वो क्या है, इट हैज़ हाई करंट गेन एंड पावर गेन। इसकी जो करंट गेन है वो क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, और पावर गेन भी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, बट वोल्टेज गेन नहीं होती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में, जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होती है, जबकि जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो होती है। नंबर फोर है जी, इट्स एसी इनपुट वोल्टेज एंड एसी आउटपुट वोल्टेज बोथ आर इन फेज। यानी कि एसी इनपुट वोल्टेज और एसी आउटपुट वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन फेज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इसकी, हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस में क्या है हमारे पास, द इनपुट इम्पीडेंस जेड आई इज इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स, द रेजिस्टेंसेज बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स आर आर बी बीटा स्मॉल आर ए एंड कैपिटल आर ई, वेयर बीटा आर स्मॉल आर ओ एंड आर ई आर नॉट इन सीरीज बिकॉज करंट थ्रू बीटा आर ई इज आई बी एंड आई बी फॉर बेस करंट एंड करंट थ्रू आर ई इज आई सी, आई सी फॉर कलेक्टर करंट। ठीक है, द करंट इन सीरीज रजिस्टर मस्ट बी सेम। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, टू मेक देम इन सीरीज लेट मेक सम मॉडिफिकेशन एज। ठीक है, उनको सीरीज कम्बिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देने। ठीक है, सो द ड्रॉप अक्रॉस आर सी इज, जो ड्रॉप अक्रॉस आएगा हमारे, जो ड्रॉप अक्रॉस आर सी आएगा वो हम क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस शोज सेम सर्किट सेम करंट आई बी फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस बी आर ई एंड रेजिस्टेंस इज बीटा प्लस वन इंटू आर ई, हैंस बीटा आर ई एंड बीटा प्लस वन इंटू आर ई आर इन सीरीज। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, देयर इक्विलेंट इज बीटा आर ई एंड बीटा प्लस वन होल आर ई, सिंस बीटा इज लार्ज सो वन प्लस बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, वी कैन राइट इक्विलेंट रेजिस्टेंस एज ओके। तो इसको आप यहाँ तक इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम आगे बात करते हैं इस यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस है ना, उसको देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखें आउटपुट इम्पीडेंस को।
सो यानी कि जो इनपुट इम्पिडेंस है उसका तो हमें फार्मूला ये मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट इम्पिडेंस का क्या है हमारे पास, द आउटपुट इम्पिडेंस जेड नॉट से उसको डोनेट करते हैं, ठीक है। इज इम्पिडेंस सीन फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल्स, द बेस करंट आई बी कैलकुलेटेड इन एन इनपुट लूप बाई अप्लाइंग केवीएल, यानी कि बेस करंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो केवीएल अप्लाई करके हम इस फार्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द करंट द एमीटर करंट इज, ठीक है, जो एमीटर करंट आई ई है वो क्या होगा हमारे पास, इस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो सिंस बीटा प्लस वन इज नियरली इक्वल टू बीटा, यानी कि अगर हम इस बीटा प्लस वन की जगह पे हम जस्ट बीटा पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी एमीटर करंट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सर्किट कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये यानी कि इस इक्वेशन से कोरेस्पॉन्ड करता हुआ जो सर्किट डायग्राम है वो हमारे पास ये ड्रॉ की हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, टू कैलकुलेट आउटपुट इम्पीडेंस जी नॉट शॉर्ट सर्किट द वी आई सोर्स, हैंस जेड जी नॉट इज इक्वल टू इक्वलेट ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आर ई एंड स्मॉल आर ई, ठीक है। तो ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है, इसके लिहाज से। और अगर हम कहें बात करें, अगर हम कैपिटल आर ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन स्मॉल आर ई टू निगलेक्ट आर ई इज़ डिनोमिनेटर, यानी कि अगर डिनोमिनेटर हम आर ई को निगलेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, नियरली इस चीज़ की इक्वल आएगा, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, स्मॉल आर ई के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एमीटर फ्लोअर विच इज़ सिंपली इक्वल टू डायनेमिक एमीटर रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू इज स्मॉल बिकॉज आर ई इज़ स्मॉल, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन को हम जो है वो इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो अगर हम यहाँ पे जो वोल्टेज गेन अगर उसको हमारे पास कितना आ रहा है, ए वी इज इक्वल टू वन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आ कैसे रहा है यहाँ पे आपको इसकी ये समझ, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, ठीक है, हम ऊपर भी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है एमीटर फ्लोअर को। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जुड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे से जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एटलीस्ट उनसे रिलेटेड डाटा आपके पास आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।